जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई रविंदर छोटीवाला, आप देख रहे हैं हक की आवाज़ न्यूज़। भाई अपने साथ जो भाई हैं कैंडिडेट जुड़े हैं आज और निर्धारित समय में रेस क्वालिफाई हैं, और यहां पर एक और जो कैंडिडेट मिले उनसे और एक नई सीख लेते हैं। तो भाई उनसे एक बार पूछते क्या 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 माहौल बता भाई। सर आज का माहौल ये था, आज दो रेजिमेंट अलग अलग हुई हैं, और जी एक नखलाओ रेजिमेंट अलग है, एक मेरठ अलग है। अच्छा, और जी नखलाओ वालों की है 69 हाइट ले रहे हैं, और जी मेरठ वालों की ले रहे हैं 172। भाई इन भाई ने बताया कि लखनऊ एआरओ रेजिमेंट अलग हुई है और मेरठ रेजिमेंट अलग, और भाई हाइट अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन लखनऊ वालों की 169 और भाई मेरठ वालों की 172, ऐसा इनका कहना है। भाई ये बिल्कुल सच है, और जी लड़कों को बहुत मार रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक भाई, और ये अपने भाई हैं जो निर्धारित समय में रेस क्वालिफाई हैं, इनसे एक बार बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस, कैसा ग्राउंड, कैसा बैच बन रहा है, कितने का टाइमिंग दे रहे हैं। हेलो भाई, रनिंग स्टाफ बहुत बढ़िया है, फौजी बहुत बढ़िया है वहाँ के, ना तो मारते किसी भाई को, और टाइमिंग भी बढ़िया दे रहा, 5:20 का टाइम दे रहा, 25-30 लड़के पकड़ रहा ग्रुप में, ग्रुप तो 300 का बना रहा भाई, वो 300 का ग्रुप बना रहा। हाँ पर स्टाफ बहुत बढ़िया है, फौजी भी सपोर्ट कर रहे हैं लड़कों को भागते हुए कि चलो बढ़िया है लग जाएगी, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं रनिंग के लिए। और मतलब एक दिन में कितने ग्रुप दौड़ाते हैं? एक दिन में 8 या 9 ग्रुप भगाते हैं। अच्छा, क्या बजे एंट्री होती है? रात 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, सुबह के 7 बजे लो एंट्री चलती है। अच्छा, एंट्री के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? एंट्री के समय आपका आधार कार्ड, मूल निवास, मार्कशीट 10वीं 12वीं की, बस यही मैन है। और ये ओरिजिनल होने चाहिए? ओरिजिनल होने चाहिए ये भी। उसके बाद जैसे कागज वेरिफिकेशन हुआ आपका भी नहीं हो गया? कागज वेरिफिकेशन में सबसे पहले भाई रनिंग करने के बाद चेस्ट बीम लगाने के बाद ओटीपी मांगते हैं, आपका आधार कार्ड ओटीपी आपके घर जाएगा या आपके फ़ोन पे आएगा, उससे आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेंगे, फिर उसके बाद मेडिकल के लिए, फिर उसके लिए मेडिकल के लिए टोकन देते हैं। क्या नाम भाई आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार कहाँ से भाई आप? मेरठ से। मेरठ से, मेरठ के जीते खुल के जीते भाई, एक नंबर सिस्टम चला है, कट्टो पाड़ रहे हैं ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के। हाँ भाई नाम बताओ, बता भाई बता। देख भाई एक और भाई मिला, तगड़ी मूछ लिया डोला, तगड़ा बात है भाई। दिनेश शर्मा, विनोद शर्मा, दिनेश शर्मा। हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई? पहली भर्ती आपकी? दूसरी भर्ती में पाड़ दी। हाँ। और पहली भर्ती हमारी आगरा। अच्छा आगरा, फिर वो आगरा क्या हुआ था? आगरा थोड़ी कागज में दिक्कत आ गई थी। अच्छा, यहाँ हाइट पूरी उतारी? हाँ पूरी। सब कैसा काम चल रहा है? एकदम अच्छा चल रहा है, एकदम बढ़िया है जी सब कुछ। आने वाले भाई है उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहिए कि भैया अच्छी तरह से दौड़े, पर रुकना ना है दौड़ने में, बस भाई दौड़ते बस रुकना नहीं है, मत चलते रहना, वीडियो बस कर रही थी। मजे थे, अच्छी बड़ी आराम से रेस लग जाएगी, पूरा 5:20 5:15 टाइम दे रहे हैं, 5:15 5:20 तक का टाइम, 25:30 वाला पकड़ ले भाई, 25:30 बालक पकड़ आराम से। हाँ और मतलब लड़के कितने दौड़ा रहे? 300। और ग्राउंड कैसा भाई? ग्राउंड बहुत अच्छा है जी। तो सुनते रहिए हमारे साथ, ऐसी लाइव टू लाइव बात कराते रहेंगे। हाँ भाई क्या कहना चाहोगे? मेडिकल होगा भाई? ग्राउंड फिट है अलीगढ़ को है। अच्छा हाँ ठीक ठाक सिस्टम अच्छा जी, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा मेडिकल कल होगा जी? भैया चल चल, क्या नाम भाई? मेरा नाम भैया राजा राजपूत, राजन राजपूत, राजा ग्राउंड फिट है भैया। भाई मेडिकल होगा, एकदम गात चंगल ये डोला है, थोड़े से गाल पिचक रहे हैं, क्यों भर्ती की तैयारी करी है? हाँ शुरू से बता भाई। भाई ग्राउंड नंबर 1 का है, फौजी सारे भाई बढ़िया है। अच्छा हाँ, बंदे बढ़िया पकड़ रहे हैं, 20-22 बंदे पकड़ रहे हैं, उत्तराखंड की 63 टाइट ले रहे हैं। अच्छा मेडिकल कैसा हो रहा भाई? मेडिकल बढ़िया हो रहा भाई। ज्यादातर क्या चीज चेक कर रहे हैं मेडिकल में? ज्यादातर भी कुछ भी नहीं चेक कर रहे, बस ये बाबा शेर और आगे का सिस्टम चेक कर रहे, अंकों में चेक कर रहे बस। कान में नाम चालू कर रहे, पॉइंट बाद में काट भी रहे, इसका बंदे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा। अगर भाई यहाँ अगर पॉइंट बन जाता तो कट भी जाता है? हाँ भाई जी, कर्नल साहब काट देते हैं, मतलब ज्यादा तकलीफ है बच्चे को। अच्छा, ज्यादा तकलीफ है तो कर्नल साहब। और कान बान के बारे में सब कुछ? सब कुछ सही, थोड़ी देर कहीं 7:30 से करते हैं, 1:00 तक मेडिकल कर देते, 20 बजे बच्चों का छुट्टी, बस छुट्टी, नॉर्मल मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल। अच्छा एंट्री के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले रहे भाई? भैया आधार कार्ड, जाति स्थाई और 10वीं 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल। कागज वेरिफिकेशन में कितने फोटो लग रहे भाई? कार्य वेरिफिकेशन में उन्होंने मेरे से लेते 20 फोटो लेते, फिर बाद में
उसमें लगा देते। अच्छा, स्टाफ कैसा भाई भीतर को? स्टाफ बढ़िया, सारे मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट, मस्ती और मजाक करते हैं बंदों के लिए बैठ के अंदर। अच्छा, जिस ग्रुप में आप दौड़े थे उसमें कितने लड़के पकड़े थे? 21 बंदे पकड़े थे भाई जी उसमें। 21 लड़के भाई। आप कौन से ग्रुप में दौड़े थे? फर्स्ट ग्रुप में भाई। क्या तारीख को आपकी दौड़ थी? 18 तारीख में। और मेडिकल कब हुआ? मेडिकल मेरा हुआ भैया 19 तारीख का। तो डीमोटिवेट करते ना हो, एक नंबर भर्ती चल रही है मेडिकल, एक नंबर चल रहा भाई, भर्ती देखना आओ, कमेंट करो जो जिस चीज़ पर वीडियो चाहिए तुम हम सब बताओ, ठीक है भाई। एक नंबर भर्ती चल रही है, एक नंबर भर्ती चल रही है भाई, एक नंबर भर्ती चल रही है भाई। गांव तगड़ा लिए डोला भाई, मूछ भी कर रही है भाई की। कहाँ से भाई? भाई शामली से। शामली से, वेस्टर्न यूपी छांग। ये काले चीते भाई, तगड़े से, काली पिंडी है इनकी, तगड़े से। और भाई कहाँ से भाई? सहारनपुर। सहारनपुर देख, मिल्खा सिंह ये मिले सहारनपुर। अग्निवीर था भाई मैं। हाँ, अग्नि जेल में जा लिया। अच्छा, चक्कर में सबसे पहले सहारनपुर जिले में मेरा नाम था भाई। अच्छा, क्या हुआ भाई? मतलब अग्निवीर के उपलक्ष्य में हमने धरना प्रदर्शन दिया था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। अच्छा अच्छा। तो हमारे पीछे पुलिस लग गई थी, पुलिस ने हमें उठा लिया भाई। भाई अपने अकेले हैं, अपने अकेले लड़ रहे हैं, आवाज उठाएंगे भाई। ठीक, क्रांतिकारी के लिए तो जेल भी ऐसी है और घर भी ऐसा ही है। सही सही बात भाई। बस भाई अपना तो ये कहना है ताकि बच्चे मेहनत करते रहो, अच्छा है, स्ट्रगल करते रहो लाइफ में भाई, बहुत बढ़िया है, बढ़िया सिस्टम चल रहा है, बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है यार। ग्रुप बहुत बढ़िया भगा रहे भाई, टाइम भी अच्छा मैनेज हो रहा भाई, सीओ भी अच्छी सपोर्ट कर रहा है भाई, फौजी भी अच्छी सपोर्ट कर रहे बच्चों को, मोटिवेशनल बढ़िया कर रहे भाई। मैंने सुना जैसे ग्रुप बनाते हैं उसके बाद जो नए लड़के होते हैं वो गिर जाते हैं, हर बैच में 15-20 लड़के गिरते हैं भाई। भीड़ है देखो, ना मतलब अग्निवीर में कम गिरते थे, इसमें ज्यादा गिर रहे, कुछ ऐसा है? नहीं यार देखो, ये तो सब अपना अपना हिसाब होता है, भागने का तरीका होता है। अगर मेरा नंबर बीच में पड़ गया तो पिछला भागा, अगला भागा भाई, लाइन के हिसाब से है ना। ऐसा हो रहा कि टांग बांग भी टूट रही है, कल एक लड़के की टांग। हाँ, टांग टूटी भाई, और किसी की खोपड़ी उपड़ी भी फट रही है, और मतलब खबा वो भी उतर रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। हाँ, ये भी हो रहा है, मतलब अपने शरीर को साध के चले, मतलब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखो जो अनाड़ी होगा, अनाड़ी का तो कुछ नहीं कहना, लेकिन जो खिलाड़ी है भाई वो तो खिलाड़ी है, वो तो खिलाड़ी रहेगा, चाहे कहीं दौड़ा लो कहीं भगा लो, क्योंकि उसने तो प्रैक्टिस कर रखी, अभ्यास कर रखा, और जिसने अभ्यास कर रखा था प्रैक्टिस कर रखी, ट्रैक किसी का मुंह नहीं देखता, प्रैक्टिस देखता है। ठीक भाई, ठीक। तो बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही भाई, वर्दी की कोई होनी भाई, जो अगर दौड़ नहीं लग रही, रेस क्वालिफाई नहीं हो रही आप पे, तो इसमें भाई सेना की कोई गलती नहीं है, खुद की गलती है, या तो आपकी प्रैक्टिस कम है, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, आप में कमी है, तब जाके आप रेस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन टाइम मैनेज बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत अच्छा टाइम दे रहा है। हम कहने लगे कि टाइम नहीं दे रहे हैं सेना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, 20-20, 25-25 लड़के पकड़ रहे हैं, ग्रुप वन भी 14 बार बोल रहा है, ग्रुप वन 14 बार ग्रुप वन बोला जा रहा भाई, और 18-18 बार ग्रुप टू बोला है। तो बताओ इसमें गलती किसकी? अपनी तो गलती है, जब मेहनत करेगा बंदा तो क्वालिफाई भी करेगा। अच्छा, जो आने वाले भाई हैं ग्राउंड पर नंगे पैर डोले या मतलब जूते पैर? नंगे पैर प्रैक्टिस बढ़िया है, जिसकी प्रैक्टिस बढ़िया नंगे पैर बढ़िया दौड़ रहा, क्वालिफाई कर देगा रेस। अच्छा, बढ़िया ट्रैक है, A1 ट्रैक है भाई, A1 ट्रैक है। आपकी भर्ती कब है? मेरी तो होगी भाई। कब? कल हुई मेरी तो। फिजिकल एकदम? ना, मेरा नहीं हो पाया भाई। क्या हुआ? मेरा तो बहुत दिक्कत थी यार, बस। अच्छा, डॉक्यूमेंट में दिक्कत, कागजों में भाई की वो पहली लग रहा होगा, कागजों में दिक्कत है, कोई नहीं। और कुछ कहना चाहोगे भाई आप? नहीं, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी सटीक कसूती जानकारी दी। तो ये वेस्टर्न यूपी के चीते भाई, खुल के जीते हैं। तो एक बार भारत माता की जय, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।